नमस्कार, वीकेबी न्यूज की आज की स्पेशल स्टोरी में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है और हम सब उस दिन को मनाने के लिए 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और खास बात तो ये है कि इस वर्ष सरकार की ओर से नया अभिनव उपक्रम चलाया जाएगा जिसका नाम है हर घर तिरंगा, जिसमें देश का हर एक इंसान अपने घरों पर तिरंगा लहरा के भारत माता को नमन करेगा। तो आइए देखते हैं आज की स्पेशल स्टोरी। भारत माता की जय, ये शब्द जैसे ही कानों पर पड़ते हैं तो कंधे अचानक सीधे हो जाते हैं, गर्व से सीना फूल जाता है। देश की अस्मिता का प्रतीक 15 अगस्त देशवासियों के लिए एक पर्व होता है, वही आज़ादी का पर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, यानी बस कुछ ही दिन में स्वतंत्रता दिवस का परचम हर जगह लहराने वाला है। बता देते हैं कि 2 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगा लगाया है, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए देश की जनता से ये गुजारिश की है कि वो सभी लोग हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपनी भूमिका को निभाएं। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ दिन पहले ही महीने के रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी आज़ादी से जुड़े अमृत महोत्सव के इस अभियान में भाग लेने की बात पूरे देश की जनता से की है। यदि आप भी इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको आज हम इसकी जानकारी देने जा रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान योजना क्या है और आप कैसे इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी अन्य सभी जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर घर तिरंगा अभियान एक सरकार द्वारा बनाई योजना है। इस योजना का लक्ष्य भारत के हर घर तिरंगा लहराने का है। सरकार द्वारा इसके लिए 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का निश्चय किया गया है। देश की पूरी जनता के लिए सरकार की ये अपील है कि वो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराए। हर घर तिरंगा अभियान के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जोरों शोरों से तैयारी करने पर लगी हुई है। तैयारी को और अच्छे से संभालने के लिए नोडल अधिकारियों को भी अपॉइंट किया गया है। सरकार ने 3 तरह के झंडे का उत्पादन की व्यवस्था की है। ये सभी झंडे आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद पाएंगे। बता दें कि नोएडा के DM सुहास LY ने कहा है कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी NGO भी इसकी मदद कर रही है, जिसके जरिए लोग कम रेट्स पर तिरंगे खरीद सकेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जनता से ये अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराया जाए। ये पल देश के लिए बहुत ही गर्व का होगा। यदि आप इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है। आप इस वेबसाइट पर जाकर तिरंगा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पर तिरंगा कैसे डाउनलोड करना है उसके सभी स्टेप्स बताए गए हैं। इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर भर के लोकेशन ऑन करनी होगी, जिसके बाद आपके सामने डाउनलोड या प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। अभियान का उद्देश्य आज़ादी के पूरे 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष में आरंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और देश के लिए प्रेम जागरूक करना है, साथ ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को पैदा करना है, ताकि देश का हर देशवासी अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे खड़ा रह सके। सरकार द्वारा नेशनल फ्लैग को लहराने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इन सभी नियम के अनुसार तिरंगा नहीं फहराया तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए देश की सरकार ने फ्लैग कोड 2022 को तैयार किया है। ये नेशनल फ्लैग के उपयोग, प्रदर्शनी और तिरंगा फहराने से जुड़ी गाइडलाइंस के बारे में बताता है। इस गाइडलाइंस को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। तो दोस्तों, आइए ये पर्व हम साथ मिलकर मनाएं। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। जय हिंद।